सुझाव है, मैं क्या सोचता हूं, एक गारंटी ली जाती है रास्ते की, वो कितने साल की होती है अगर जैन साहब बताएं, मैंने सुना है कुछ आंकड़े सुने, वो गारंटी के बीच अगर कुछ भी हुआ तो उसके बारे में अगर परस्यू करें आरटीआई वाले, तो मेरे ख्याल से ज्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि तो रास्ता बराबर बना या नहीं ये देखने की बजाय, आम के बजाय ये देख लीजिए कि बराबर रास्ता बना कि नहीं, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, अलग अलग पीरियड होते हैं। अगर जैन साहब बताएं तो हमें कुछ पता चलेगा। उसके बाद एक छोटी सी और एक बात जोड़ना चाहूंगा, मैं जैन साहब से ये मार्गदर्शन चाहूंगा कि कितने साल की गारंटी होती है कॉन्क्रीट रोड्स की और बिटुमिनस रोड की। सर बिटुमिनस रोड जो थिन लेयर का होता है जैसे 2 सेंटीमीटर का, उसकी गारंटी होती है 1 साल सिर्फ, और 2 सेंटीमीटर से जो ज्यादा होता है 2.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर उसकी गारंटी होती है 3 साल, और जिसमें और ज्यादा थिकनेस होती है उसकी गारंटी होती है 5 साल। तो गारंटी पीरियड के अंदर कोई डिफेक्ट आती है या अपन कोई डिफेक्ट नोटिस करते हैं या इंटीमेट करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर को ठीक करना ही होता है, इज गारंटेड मींस दे हैव टू डू इट। सर 1 साल और 2 साल की रास्ते की गारंटी लेना कहीं बेवकूफी नहीं है? नहीं, जैसे 2 सेंटीमीटर ही थिकनेस है कॉन्क्रीट की तो फिर वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूँ एक रास्ता बनता है पब्लिक के लिए, कि 1 साल की गारंटी लेना या 2 साल की गारंटी लेना वो कहीं बेवकूफी नहीं है क्या? नहीं नहीं, क्या होता है कि सड़क के महत्व के हिसाब से राशि खर्च होती है। 1 साल की गारंटी वाले में 10 लाख में रोड डामर कर देता है वो, और 5 साल की गारंटी में 60 लाख रुपए खर्च करता है, तो जितना राशि खर्च करेगा उतनी ज्यादा तो गारंटी लेना पड़ेगी ना। अगर अपने पास विभाग के पास बजट नहीं और कम खर्चे में कम से कम काम करा रहा है तो फिर गारंटी भी कम ही होगी। जैन साहब जहां तक मैं समझता हूँ 1 साल से 2 साल या 3 साल या 5 साल की गारंटी में सेम मल्टीपल में नहीं बढ़ता है, प्राइस बढ़ ही नहीं सकता है। हाँ बढ़ी नहीं सकता, वो मल्टीपल में बढ़ेगा ही नहीं। हाँ नहीं बढ़ेगा। और रास्ता है जो आप उसके पर काम करते हैं तो ट्रैफिक को तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया 1 साल और 2 साल। मैंने ऐसा सुना था कि भारत में 5 साल की गारंटी की बात है और श्रीलंका वगैरह में 7 से 10 साल की गारंटी ली जाती है। नहीं ऐसा फिक्स नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं 1 साल 3 साल 2 साल तो उसमें तो कुछ रास्ता ही नहीं बनना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गणित ही समझ में नहीं आ रहा है, कहीं गणित में ही गड़बड़ है। जो नई सड़कें बनती है, जो नई सड़कें बनती है जिसमें डिजाइन करके सड़क बनाई जाती है उसमें 5 साल की गारंटी रहती है। जो नई सड़कें बनेगी जिसमें पूरा डिजाइन करेंगे कि कॉन्ट्रेक्टर भी उसमें डिजाइन में शामिल रहेगा कि भाई ऐसी सड़क बनाऊंगा, तो फिर उसकी गारंटी 5 साल की होगी। जिसमें डिजाइन ना करके खाली, मेरा ये निवेदन था कि मेरे हिसाब से 1 साल 2 साल की गारंटी वाली सड़क बनाने का बंद ही करना चाहिए। मेरे ख्याल से सब ये मानेंगे कि रास्ते के 1 साल और 2 साल की गारंटी तो सरासर गलत है, अनलेस ऐसा है कि ये रास्ता काम में ही नहीं आने वाला है 1 साल के बाद, ऐसी कोई परिस्थिति हो तो वो टेम्पररी रास्ता हो गया, अदरवाइज रास्ते की गारंटी 5 साल की होनी चाहिए। और अगर वो 5 साल में ज्यादातर एटलीस्ट मुंबई में मैंने देखा है 5 साल की गारंटी होती है, मगर उसके पहले रिपेयरिंग होती है और वो रिपेयरिंग डिपार्टमेंट के खर्चे पे होती है और जनता उसके बारे में पूछती नहीं है। मैं तो यहाँ पे सबको लोगों को कहता हूँ कि अगर रास्ता नया बने आपके घर के पास और अगर वो 5 साल के पहले उसमें कोई रिपेयर है तो पूछे कि क्या खर्चा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है या नहीं। 90% कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है, वहीं पे वो बेसिक गड़बड़ होती है और वो समझना ईजी होता है। लोग ये समझने की कोशिश करते हैं रोड़ा कितना गया, कंक्रीट कितना गया, अरे ये हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल है। सर 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 जो नई सड़क बनती है उसमें जो 5 साल की गारंटी रहती है उसमें 90% काम करना ही होता है, और जो डिफेक्ट आती है वो करते हैं, क्योंकि नहीं तो सड़क चल ही नहीं सकती, क्योंकि 5 साल की गारंटी वाले का खर्च बहुत ज्यादा रहता है सड़क का, तो उसमें तो गारंटी रहती है मतलब करना ही रहता है। 10% ऐसा हो जाता है कि जो नहीं करते हैं अड़ियल होते हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होता है। जो 5 साल की गारंटी, जो 1 साल 2 साल की गारंटी वाले ऐसे रहते हैं।
अगर सब लोग एक्शन ले लेते हैं तो करप्शन होता ही नहीं, भ्रष्टाचार की चर्चा ही ना होती है रास्ते पे। रास्ते के लिए 60-70 लोग ये चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि भ्रष्टाचार होता है बहुत डट के होता है। सब भ्रष्टाचार ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, मगर मेरा ऐसा कहना है सर, मेरा ऐसा कहना है कि ये सभी भ्रष्टाचार के कारण नहीं है, ज्ञान का अभाव है, काम में लापरवाही है, ज्ञान जो स्टाफ काम कराता है उनको ही ज्ञान नहीं है, सड़क यूजर करता भी सड़क को ठीक से यूज नहीं करता है, वो उसको उसका दुरुपयोग करता है सड़क को यूजर करता है, तो फिर उसमें वो गारंटी उसकी डगमगा जाती है। आप मान लो कल्टीवेटर ले जा रहे हैं और कल्टीवेटर नीचे छोड़ दिया, मैंने देखे कई जगह लोहा जा रहा है ट्रैक्टर पर घसीटते हुए जा रहा है, तो इसकी गारंटी सड़क वाला कैसे ले लेगा जब यूजर ही तैयार नहीं है। तो यूजर को भी सहयोग करना पड़ेगा, यूजर सहयोग नहीं करेगा, मान लो आपने घर का पानी ला के सड़क पर छोड़ दिया और आपने नाली में नहीं डाला, पूरा सड़क पर जा रहा है, तो यूजर ही सहयोग नहीं कर रहा है तो कैसे सड़क ठीक होगी। यूजर को भी सहयोग जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। अब नया मैनुअल बन रहा है जिसमें यूजर को भी जिम्मेदार माना जाएगा, यूजर हैव टू यूज। इसके अलावा यस 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 देवेंद्र जी ने जो बातें कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से मूल हमें देखना चाहिए कि क्यों अपने यहाँ गवर्नेंस पुअर है। मेरे हिसाब से दो तीन कारण है जिसपे अगर हम अटैक करें तो बेहतर होगा। एक तो अपने यहाँ कोई गलत करता है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और पकड़ लिया तो कोर्ट में उसको जिम्मेवार ठहराना बहुत ही मुश्किल होता है। कोर्ट का प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर आप बेमान हैं और पैसा फेंक सकते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरी एक चीज मैं इसके साथ जोड़ूंगा कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई एचआर सिस्टम ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, आज के जमाने में बहुत कॉमन है 200 वर्कर की या 200 एम्प्लॉयज की कंपनी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट रखती है, भारत सरकार या राज्य सरकारें नहीं रखती है ऐसा कोई स्पेशलिस्ट। उन्हें खुद पता ही नहीं है कि कैसे लोगों को इंसेंटिवाइज करें, कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पनिश करें, कैसे प्रमोट करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आईएएस के अफसर जो ज्वाइन होते हैं एक बैच में, वो करीब करीब एंड में सब एक ही पोजीशन में एंड होते हैं। ऐसा किस्सा हो गया कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो जितने लोग एक साल में ज्वाइन होंगे वो सब करियर के एंड पे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो चौपट हो जाता प्राइवेट कंपनीज। मेरे हिसाब से ये बहुत ही जरूरी है कि एचआर सिस्टम्स प्रॉपर हो जिससे अच्छा काम करने वाले को बढ़ोतरी मिले, गलत काम करने को पीछे रह जाए, और जो काम ना करे वो एकदम पीछे रह जाए। ये मेरे हिसाब से अगर हो तो अपनी गवर्नेंस बेटर हो सकती है। इतना ही जोड़ना चाहूंगा। सर प्रजातंत्र में पॉलिटिकल सिस्टम ही प्रशासकीय सुधार कर सकता है, इम्प्लाइज नहीं कर सकते। प्रशासकीय तंत्र में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो, उसमें भावना हो, इच्छा हो, प्रशासकीय सुधार की तभी संभव। हेलो हाँ सर, आपने अभी कहा कि सिस्टम ही ऐसा है कि पैसे पर सभी बिक जाते हैं, तो इस पर हमारे सूचना का अधिकार में पैसे पर बिकने वाले को क्या किया जा सकता है? जुडिशियल सिस्टम जो है वो कुछ नहीं करेगी, और मेरे हिसाब से जुडिशियल सिस्टम पे हम बहुत कम सोचते हैं। जुडिशियल सिस्टम कैसे ठीक हो इस पे बहुत कम काम होता है, और एक तो इसके लिए सर क्या व्यवस्था है जो जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम करे? सबको करना पड़ेगा। एक छोटी चीज बताऊं, गए 70 साल में जी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कहता हूं, पर फिर भी आप सरकार के हर मुद्दे को देख लीजिए, टेलीफोन है, रास्ते हैं, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें कुछ बेटरमेंट हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। एक ही चीज है जिसमें बदतर हुआ है, वो है जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम न एथिक्स में, न टाइम में, न वैल्यूज में वो खराब हुई है, और हम उसको फोकस करते ही नहीं है, न जुडिशियल सिस्टम अपने आप को देखती है। नहीं सर, जुडिशियल सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, आखिर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? या सर, आज का मुद्दा ये नहीं है,
इस पे अलग से चर्चा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, अभी आज बिल्कुल सर, इसमें चर्चा अपन अलग से भी करेंगे। और हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, वो उंगली अपनी फिंगर रेज कर रहे थे। भास्कर प्रभु सर मैथिली अधिकार मंच मुंबई के संयोजक हैं, भास्कर प्रभु सर, और कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सर स्वागत है आपका, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मुझे ये लगता है कि आज की जो बातें हैं रोड के ऊपर है, और रोड मेंटेनेंस के ऊपर है, और रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, और मुझे लगता है कि डिस्कशन हमारा करप्शन और उसके ऊपर ही ज्यादा हो रहा है। मुझे ये पूछना है कि जितने उपस्थित हैं, कितने लोगों के पास रोड मैनुअल्स हैं, कितने लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन की है कि आरटीआई में जो रोड के वर्क ऑर्डर्स चुके हैं, एक भी बताओ, जितने जन भी बैठे हैं भ्रष्टाचार के बारे में, कितने लोगों को पता है कि वर्क ऑर्डर कैसे इश्यू किया जाता है? हाथ ऊपर करके बताया तो चलेगा। सुरेंद्र जी को मालूम है, दत्ता जी को मालूम है। हाँ सर, मैंने किया आरटीआई। जितने लोगों ने जो भी, अभी मैं मेरे पास मुंबई में मैंने जितने भी सोशल ऑडिट्स करके जो पेमेंट के ऑडिट किया है, मैंने रोज के ऑडिट किए हैं, बड़े बड़े कामों में नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने पूरी काम वापस करके लिए हैं सभी को। और जैसे मिस्टर जैन ने जो कहा है, हर एक रोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब में, उस परिसर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोड या पेमेंट बना जाता है या फुटपाथ बनी जाती है। अगर उस जगह में हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब में रोड बन जाते हैं, उस जगह में सिर्फ लाइट व्हीकल्स का मूवमेंट है तो उस हिसाब में रोड बन जाते हैं, उस जगह में यूटिलाइजेशन ऑफ द रोड्स कंटिन्यूअसली है यानी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उस जगह में कॉन्क्रीट के रोड बने जाते हैं। तो अलग अलग जगह में, तो हमने ये देखना है कि हर एक काउंसिल होवे या कॉरपोरेशन होवे या ग्राम पंचायत होवे, जो भी होने दो, उसमें अपने अपने परिसर में किस ढंग के वे रोड बनाना चाहते हैं या अपने परिसर में किस ढंग के रोड चाहिए, ये हमने तय करके फिर हम अगर आगे बढ़े तो हमारे परिसर में रोड सही हो सकते हैं या हम अपने ढंग से रोड बना के ले सकते हैं। और रोड का अगर परिसर में एक छोटा सा ग्रुप अगर रहेगा तो वे सोशल ऑडिट करने में बहुत ही काम आ जाएगा, और सोशल ऑडिट ये एक ही उपाय है अपने परिसर के रोड्स को बनाने का, और ये फायदेमंद होता है, ये जिम्मेदारी होती है। मैं जैन साहब से मैं पूरी ढंग से सहमत हूं करके नहीं बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार होता है ऐसा एलिगेशन के पहले हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि भाई हमको इस रोड बनते समय क्या क्वालिटी की सीमेंट आना चाहिए या बिटुमेन आना चाहिए या डांबर आना चाहिए, मेटल स्टोन्स आना चाहिए, ये सब जब कुछ हमें ये पता नहीं है तो हमें कोई भी चीज के बारे में ये भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा हमारा बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं अरे गए बारिश में ही बन गया और 6 महीने में रोड उखड़ आया, यहाँ बराबर है, शायद मैं तो वर्कशॉप में और मीटिंग में मैं कहता हूँ कि शायद होगा वो 6 महीने के लिए बन गया हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सामने वालों को मालूम है कि कितने साल की गारंटी है, और जब भी गारंटी पीरियड में, यानी उसको जनरली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कहा जाता है, एटलीस्ट मुंबई में और टेक्निकली कहा जाता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में सभी रोड्स वो कॉन्ट्रेक्टर ने ही बनाना है, कॉन्ट्रेक्टर ने ही मेंटेन करना है, और डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस होना ही नहीं चाहिए। जब डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस वापस होते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर बहुत फायदेमंद रहता है, और वो वैसे ही होता है। जब मैं जानता हूं कि बारिश में पहले बारिश होने के बाद में खड्डे गिरते हैं तब गिरते हैं, लेकिन जब तक आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम काम के बारे में जानकारी लेते नहीं या जानकारी लेने की उतनी महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन एक ही हम एलिगेशन करते जा रहे हैं और ये फायदेमंद है। आपको मैं बोलता हूं कि ऑफिसर्स लोग भी बता दिया रहे हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो भी आदमी ये सोशल ऑडिट अगर करने लगेगा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद ही हो सकता है। अभी मेरे पास वो, मैं अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ क्योंकि आज 2 दिन के लिए मैं दूसरी जगह में आया हूँ, मेरे पास बृहन्मुंबई महानगर पालिका के सभी रोड मैनुअल्स हैं,
मैं वो रोड मैनुअल लेके जाता हूँ, मैं इधर से शेयर कर सकता हूँ कि नहीं मालूम नहीं, मेरे पास मैंने डाउनलोड करके फाइल करके ली है, मैं शेयर कर सकूंगा? शेयर करने की सुविधा है मेरे पास? शेयर स्क्रीन अगर शिवानंद जी इनको को-होस्ट बनाएं। सर मेरे कुछ प्रश्न थे रोड से ही संबंधित। सर मेरी बात खत्म नहीं हुई है तो मेरे बात आप शेयर कर सकते हैं। भास्कर प्रभु सर आप शेयर कर सकते हैं। आपको दिख रहा है अभी? हाँ तो देखिए हमारे पॉलिसी गाइडलाइंस है फॉर ग्रांटिंग परमिशन ऑफ यूटिलिटी एंड म्युनिसिपल एजेंसी, यानी जो खड्डे करते हैं उनको काम करते समय ये 48 मैनुअल है, सभी डिटेल है। आप अभी देखिए एनेक्सचर्स में लिखा है, मैं पूरी नहीं 50 पेज का ये मैनुअल बुक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जब कोई काम करता है तो जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। हम ऑलवेज बोलते हैं कि हमको जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हमको पार्टिसिपेट होना है, ये भी हम बोलते हैं, तो ये हो सकता है। फ्लैट रेट यानी हर एक वो PWD होवे या कॉरपोरेशन होवे अपने अपने रेट बेसिक रेट तय किए गए थे जैसे जैन साहब ने जो बताया था, लेकिन ये रेट इज द एज्यूम्ड रेट, एस्टिमेट निकालते समय इस ढंग से निकाला जाता है। डिटेल्स है अभी आप मैं पूरी नीचे शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज, हमारे यहाँ बोर्ड अगर नहीं लगते हैं तो पेनल्टी है, हम लोग इतना भी देख सकते हैं कि भाई डेट टाइमिंग एक किसी ने मुझे लगता है आपने एनालिटिक बंद करना चाहिए, किसने स्क्रैपिंग किया इधर? ये आप लोग कौन कर रहे हैं स्क्रीन पे आपने क्या किया सर? एनालिटिक बंद कीजिएगा, कोई बच्चा या कोई ऐसा मिसचीफ करने वाला है? नहीं बच्चा, हाँ नहीं सर, इसको आप एक बार फिर से स्टॉप करके आप फिर से ओपन करिए। आप एनालिटिक की जो सिस्टम है वो बंद करो सर, ताकि कोई नहीं कुछ नहीं कर पाए। आप पेंसिल में जाके इसको क्लियर कर लेंगे तो एक बार में हो जाएगा। कहाँ से कर देंगे क्लियर? सर पेज में रहता है पेंसिल। यार ये तो मुझे देवेंद्र जी आपको आइडिया है तो थोड़ा सा भास्कर प्रभु सर को आप बताएं, नहीं तो आप अपने से कर दें, आप भी को होस्ट हैं। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अच्छा अभी पढ़ सकते रहे ना तो आप अभी हाँ पढ़ तो वो अभी रहने दो, जिसने भी किया है वो पता नहीं चला। अमरेश सिंह करके हैं सर, अमरेश सिंह ये दिखता है सर स्क्रीन पे, कौन ऐसा कर रहे हैं? अमरेश सिंह करके हैं, वो चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। मेरे वहां मैं अगर जूम लेता हूं तो ऐसे कोई थोड़ा भी मिसचीफ करता निकाल देना चाहिए, वो हमारा दोस्त भी सर। मैं बताऊं, मैं उसे डिलीट करना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे किया नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। सर ऐसे लोगों का सर नाम स्क्रीन पे आता है सर, हम लोग फर्दर ऐसा देख सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए अभी लेट अस कंटिन्यू द टॉक। मैं ये कहता हूं कि देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ, ये जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हम पूछते हैं। देखिए इधर रोड का नाम है, लोकेशन का डिटेल है, एग्जैक्ट लोकेशन, एंड पॉइंट, लेंथ ऑफ द ट्रेंच, ये सिर्फ रोड नहीं हर एक छोटे छोटे काम जो लेते हैं उसका भी इतना डिटेल है, तो ये हम पूछ लेते हैं। ये क्या क्या रोड सरफेस किस ढंग का है, एस्पाल्ट मैगडम, एस्पाल्ट कॉन्क्रीट, मैस्टिक एस्पाल्ट, ये सभी हर एक स्टेट, हर एक ग्राम पंचायत, हर एक रोड बनने का मैन्युअल उस ऑफिसरों के साथ रहता है, और मैं जानता हूं कि जैन साहब को भी ये पता होगा। अभी अभी आप आगे देखिए, ये कंप्लीट डिटेल निकालना है। अभी मैं आपको सिंपल चीज देखिए, ये रोड जब बनती है या ट्रेंच रिपेयर होता है, ये कंप्लीट डिटेल इतने दिए हैं क्या क्या होना चाहिए, ये आप देखिए, आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये हम इंस्पेक्शन ऐसे ही ढंग के करते हैं, कितना इंच का खड्डा लगाया, कितने इंच का क्या कॉन्क्रीट लगा है, क्या डिटेल लगा, ये सब हम निकाल के देखते हैं। अभी उसके नीचे आपको मैं बताता हूँ, ये आपको शिवानंद जी आपको मैं भेज दूंगा, बाद में आप शेयर कर सकते हैं किसी को। अभी ये हम इंस्पेक्शन जब करते हैं तो साइट इंस्पेक्शन का एक ये देखिए, जिधर भी रोड बनते हैं आपको ऐसे एजेंसी
स्टार्टिंग डेट क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, साइट इंजीनियर का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल लिखिए, ब्रैकेट में लिखा है मोबाइल, यानी उसका मोबाइल रहना जरूरी है। इसके बाद में हमने आर्ग्यूमेंट करके हमने ये भी लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर का भी रहना चाहिए, और कोई भी काम में हमने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग सीधे वो अधिकारी को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर डालनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को आपने बात किया, आपका नाम खराब हो सकता है, आप बोलेंगे पैसे पूछ रहे थे। अभी ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रोज का प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी ऑब्जर्वेशन, हम लोग छोटी सी ऑब्जर्व करते हैं, हमको टेक्निकली हम हुशियार नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है वार्ड इंजीनियर के पास, हम बोलते हैं कि ये हमने जेरोक्स करके हम परिसर में दे देते हैं, आप डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, डिलेड कितना किया है, इंजीनियर था कि नहीं, बैरिकेडिंग किया था कि नहीं, हर एक चीज के लिए पेनल्टी है। बैरिकेडिंग अगर नहीं करते हैं तो मुंबई में 500 रुपया डेली पेनल्टी पर मीटर के रेट में लगता है। वाटर एंट्रेंस क्लियर के जाने के लिए एंट्रेंस अरेंजमेंट किया है कि नहीं, ऐसे 28 चीजें रह गए, रात को फ्लैशलाइट सही कि नहीं, सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट किया है कि नहीं, ये सभी चीज आप कोई भी पीडब्ल्यूडी का होवे, ग्राम पंचायत का होवे, या कॉर्पोरेशन का होवे, काउंसिल का होवे, ये कंटिन्यूअसली रहता है और रहना जरूरी है। अभी ऑब्जर्व कितना दिन, अगर स्टार्टिंग टाइम पे नहीं किया ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑन, ये भी रिकॉर्ड किया जाता है, टाइम पे स्टार्ट किया है, कंप्लीशन टाइम पे किया है। मुंबई में अगर एक दिन लेट कंप्लीट डिले करते हैं तो पर डे 5000 रुपीज पेनल्टी है, फर्स्ट डे 5000, सेकंड डे 10000, एक ऑर्डर देने के बाद। और ये पेनल्टीज है, आप देखिए इधर अभी पेनल्टी लिखी है, शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज, डिले स्टार्टिंग अगर डिले करता है तो 1000 दिन, दो दिन के लिए 5000, तीसरा दिन 10000, डिले ऑफ कंप्लीशन मोर देन 5 डेज 15000 पर डे। ये सब पेनल्टीज जो है ये हर एक पीडब्ल्यूडी होवे, अगर अपने को उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर हम इतना भी देखते हैं हमारे ऐसा में 20% भ्रष्टाचार हम कम कर सकते हैं। और एक बार जानकारी लोग है करके पता चला तो आप अकाउंटेबिलिटी आराम से लेके आ सकते हैं, ये मेरा कहना है। इसलिए जब तक हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर्स नहीं है, हमारे पास का जब कुछ भी हाथ में नहीं है, तो हम भ्रष्टाचार हम रोक नहीं पाएंगे और एक कभी नहीं होगा, ये मेरा कहना है। तो साथियों, ये जब तक हम कहेंगे नहीं कि हम पीछे नहीं पड़ेंगे, जब तक हम सोशल ऑडिट नहीं कर पाएंगे, तो पहली बात आप कीजिए, हर एक पीडब्ल्यूडी से रोड मैनुअल्स पूछिए, और काम करने की गाइडलाइंस क्या है पूछिए, हर एक टाइप के रोड बारे में जानकारी लीजिए, वर्क ऑर्डर्स लीजिए, परचेस ऑर्डर्स लीजिए, और उसके बाद में आप अगर वो मेरे हिसाब में हर एक पीडब्ल्यूडी उस पर्टिकुलर इंजीनियर के पास वो सब डॉक्यूमेंट्स रहना कंपलसरी है, सेक्शन 4 में आपको मिलना चाहिए, कलम 4 में आपको मिलना चाहिए, अगर ये जब तक नहीं मिलेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। भास्कर प्रभु जी। हाँ जी नमस्कार, राजकुमार कौशिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ये सारी चीज जो है, मैंने वर्क ऑर्डर लिया यहाँ पर दिल्ली एरिगेशन डिपार्टमेंट से। हमारे यहाँ काम शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी, हो रहा है, तो वो लीपा पोती काम की करते रहे वहां पर। जब मैंने वो आरटीआई डाल के जब उनसे वर्क ऑर्डर लिया तो उन्होंने पूरा उसमें गुमराह कर दिया। नहीं नहीं, वर्क ऑर्डर में आजकल जो है, वर्क ऑर्डर में टोटल काम की प्रोसेस दी जाती है। हाँ वही मैंने उनसे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो वर्क ऑर्डर में दिया उन्होंने कि एक मैन होल का, जो मैन होल का कवर होता है उसका मतलब लेस देन 180 केजी होना चाहिए, परंतु उसमें क्या निकला है, उसमें निकला 170 केजी। अंदर जो मैन होल बना रहे थे उसका जो प्लास्टर होना है 1/3 का होना है, परंतु उसमें कोई भी प्लास्टर नहीं कर रहे वो। नहीं नहीं, लेकिन ये जो है ये आपका, सुनिए हाँ। मैं क्या कहता हूँ, ये इंडिविजुअल बेसिस में कोई भी आप सोशल ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल एलिगेशंस हो गए। नहीं एलिगेशन नहीं सर, नहीं आज जो उन्होंने मेरे को दिया, मेरा बात सुनिए। हाँ जी, मैंने अभी मैनुअल में आपको एक दिखाया, उसमें रोड मैनुअल, ठीक है, ओके। आपके पास में एक 3-4 जन का ग्रुप रहना चाहिए, और उसके बाद में इस चीज का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और आप इसको
अभी आप अगर ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है हम कहते हैं, अभी वो जब आप पूछोगे मेरे साथ में इंस्पेक्शन चलो, तो ऐसे 100 लोग अगर बोलेंगे मेरे को इंस्पेक्शन करना है मेरे को, तो 100 लोगों के लिए अलग अलग टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप ये कहना चाहिए आप जब इंस्पेक्शन करने जाते हो हमें बुला हम आएंगे, तो ये हर एक अलग अलग ढंग से उनको इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है। अभी जब आप खुद होके काम करते हो, खुद होके हम ये करते हैं, हम एलिगेशन करते हैं, तो मतलब नहीं बनता है। जब तक आप जैसे पुलिस जब कुछ घटना होती है तो उसकी पंचनामा बनाती है, तो आप भी जब कुछ घटना ऐसी होती है या ऐसा कुछ हो रहा है तो सिटीजन्स का पंचनामा बनाना चाहिए, क्या आपने देखा क्या नहीं देखा, और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड में लाना चाहिए। यू शुड ब्रिंग एवरीथिंग इन टू द रिकॉर्ड। जब आप एक बार रिकॉर्ड में लाते हो इसका इफेक्ट होता है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस में कभी नहीं होगा। ये मैं आपको सर, नहीं मैं इंडिविजुअल में नहीं कर रहा था, मैं रिकॉर्ड में लेके आया था, वायकादा मैंने उसकी फोटो। मैं आपको वही बोल रहा, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको या तीन या चार जन की ग्रुप चाहिए उसको। सोशल ऑडिट इज नॉट बाय वन पर्सन। ओके नॉट अपॉइंटेड फॉर दी। मेरा कहना है कि पब्लिक, सुनिए, पब्लिक अथॉरिटी, अभी हमारे मुंबई महानगर पालिका में थर्ड पार्टी ऑडिट भी है, उसके लिए आदमी लोग अपॉइंट किए गए हैं। वो थर्ड पार्टी ऑडिट वो कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया है, तो वो खुद जाके देखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, दे देंगे, उनका मान जाए। लेकिन जब सिटीजन्स करते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस में नहीं हो पाएगा। आप इंडिविजुअल बेसिस में करने जाओगे तो आपको कोई मानेंगे ही नहीं। जैसे जैसे आप वो ग्रुप में आप लोगे या चार पांच जन रहेंगे, आपके पास एक विटनेस रहता है, एक फोटोग्राफ रहता है, एक आपने साइट में देखा हुआ है। अब ये सब सबमिट पहले कीजिएगा, उसके बाद में बोलिए ठीक है अभी हम आपको झूठ बोल रहे हैं तो आप आ जाइए, हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ओके आप एक ऐसे जब आप कार्रवाई शुरुआत करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि दीस पीपल मीन बिजनेस। राइट क्या होता है, आज हम एलिगेशंस कर रहे हैं, ऐसे उनको एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं है। जैसे अभी देखिए, मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूँ, ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरे मित्र हैं, मैं इंजीनियर्स भी मेरे मित्र हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं अभी जो मेरा फेस वैल्यू इतना हुआ है तो मैंने ओपनली अगर बोल दिया वो इंजीनियर केस डाल देता है और काम वापस कर लेता है, बिकॉज नाउ दे नो दैट वी आर डूइंग वेरी टेक्निकली। तो इसलिए एक ग्रुप का जेन्युइनिटी अगर सामने वाले को भी। और मैं आपको एक बोलता हूँ, देखिए भ्रष्टाचार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं है। हम अगर 20% भी भ्रष्टाचार हम कम कर सकते हैं ना, हमने बहुत अचीव किया, ऐसा समझना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने पूरे मुंबई में काम वापस करके लिया हुआ, शायद मैं अकेला हूँ ऐसा मुझे लगता है, लिया होगा दूसरा नहीं, लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट निकाल के वापस बनवा के लिया हूँ। मेरा जिधर दुकान है उस दुकान के सामने जो पेमेंट बनी है गए 4 साल में से एक इंट भी नहीं हिली है। तो ये हम कर सकते हैं, और ये इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश है। यानी हमारे वहां अभी कोई भी अगर वर्क ऑर्डर कोई निकालता है ब्रांड मुंबई महानगर पालिका, उसमें आइटम नंबर लिखता है, आइटम की काम करने की प्रोसेस लिखते हैं, इसको चेंज ने खड्डा करना है, इसको कितना खड्डा करना है, इसकी कॉस्ट रेशियो क्या है, इधर क्या मटेरियल लगता है, क्या कितना दिन का लगेगा, कितने दिन का काम है, एक कंप्लीट डिटेल वो वर्क ऑर्डर है, एक काम का पूरा डिटेल आता है। ये मैं कहता हूं कि अनलेस एंड अनटिल 4-5 लोग, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। और मैं अभी भी बोलता हूं, बहुत लोग बड़े बड़े कामों का देखते हैं, बड़े बड़े काम का देख के कोई मतलब नहीं, अपने से नहीं होगा वो। मेरे घर के नजदीक जो फुटपाथ बन रहे हैं, मेरे घर के नजदीक जो रोड बन रहा है, मेरे घर के गांव में जब बावड़ी बन रही है, गांव में जब अभी वो सब लोग ने देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री की जी योजना जो है, जो टॉयलेट बनाने की योजना, आप देखना चाहिए कि टॉयलेट बनते समय उसको आउटलेट दिया है क्या, पानी की सुविधा दी है क्या, क्योंकि टॉयलेट बनाने के खर्चे तो हो गए लेकिन उसका मेंटेनेंस आ गया, इसलिए नहीं हो पा रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जितने भी काउंसिल्स है उनको टॉयलेट बनाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसका आगे जो मेंटेनेंस करना है उसका पैसा नहीं मिलता है। तो ये जब तक नहीं होगा तो काउंसिल्स कहाँ से मेंटेन करेंगे, उनके पास उतना बजट नहीं रहता है, इसलिए पूरे टॉयलेट उड़ गए, ना पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है। मैं अभी आज पालघर में हूँ, 7-8 जगह में मैंने ऐसे टॉयलेट देखे, ना उसके दरवाजे खुले, अंदर जाके कौन बैठेगा। तो मेरा ये मतलब है कि अभी ये नागरिकों को पता नहीं, और नागरिक क्या करेंगे मेरा, और जो उस ढंग के टॉयलेट जो यूज करता है वो अपने आवाज नहीं उठा पाता है, वो कैसे आवाज उठाएगा।
आवाज उसके लिए हमने आवाज उठाना है, हम अपने को एक ताकतमंद बनाया, एक ढंग से बनाया है, तो हमारा काम है, ये हमारा काम है आवाज उठाना। हम ये नहीं बोल सकते अरे वो क्या, अरे उनको टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं रहती है, उन लोगों को टॉयलेट बनाने के देने के बाद में उनको पानी नहीं दिया जाता है, उनका वो ड्रेनेज सिस्टम उधर नहीं किया जाता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। और वे उनकी आवाज नहीं उठा सकते हैं, आवाज उठाएंगे तो आज जो उनको थोड़ी सी बहुत जो सुविधा मिल रही है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो वो ढंग से है कि नहीं देखना हमारा है, क्योंकि हम एक एक स्तर पर आ गए हैं जो हम आवाज उठाने भी जानते हैं। अगर हमारी आवाज दबाते हैं तो हम आवाज दबाने वाले को भी हम प्रश्न उठना जानते हैं, हमको कुछ प्रोसेस मालूम है, हम ये सब करते हैं। मुझे लगता है सर कि ये जो चीजें हैं आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसे मुझे लगता है। भ्रष्टाचार तो होता रहेगा, हम उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है, इधर क्या अमेरिका में भी हो रहा है, जापान में भी हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, सब जगह में हो रहा है, तो मुझे लगता है उसके बारे में कम बात करके हम कैसे उस चीजों को सामना दे सकते हैं, ये हमने देखना चाहिए। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपने ध्यान दिया है। और मैं थोड़ा सा जिस प्रकार से जैन साहब से हमारी बात हो रही थी, के एम जैन साहब एक बार हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने एक जांच की थी, उसका मैं थोड़ा सैंपल दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में, और मैं लौटूंगा। वीरेश बेलूर सर हमारे बीच में है, वो सर कृपया जुड़े रहे, थोड़ा सा ये एक स्लाइड शो हो जाए, कुछ जानकारी यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टिसिपेंट्स उनके बीच में, कि किस किस तरह से जांचें होती हैं और उसके कैसे कंसीक्वेंसेस निकलते हैं और फिर किस तरह से ये सारी चीज हुई। इत्तेफाक से वो सारी चीजें हमने अपने फेसबुक और ट्विटर वगैरह में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सजो करके रखी थी और मुझे काफी अच्छा लगा कि वही अधिकारी हमारे बीच में हैं आज रिटायर होकर के और अब इस कार्यक्रम में आए हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको सर शेयर करता हूं और आप अपने वॉइस के माध्यम से इसको आप बताते जाएं कि मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था। जस्ट ए मिनट। एक ये जांच आपके द्वारा की गई थी, जो जो जांच रिपोर्ट रहा है। नहीं आ रहा है, मतलब वो आपने शायद फेसबुक पेज आप खोलना चाह रहे थे, फेसबुक पेज आपको क्लिक करना। हाँ हाँ हाँ, ये मैं जस्ट ए मिनट सर, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल मैं यही फेसबुक पे ही बोलना चाह रहा था। ये आ गया जी, मैं मेन पेज पे आ जाऊं पहले, जहाँ पर आप जांच कर रहे हैं और वो कैसी जांचें हैं, किस प्रकार से हो रही हैं, वो थोड़ा सा आप हाँ ये वाला पेज जैसे अपन देख पा रहे हैं, इसमें आप सर कुछ कर रहे हैं, सामने जो आप देख रहे हैं ना, खड़े हुए हैं उनकी पूरी टीम है, आप कुछ कर रहे हैं सर, ये क्या है, किस प्रकार की जांचें हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे, आप कैसे कर रहे थे? ये डामर की सड़क का था पहले वाला, इसमें डामर कंटेंट निकाला जा रहा है कि इसमें कितना डामर डाला गया है सड़क में, उसकी जाँच चल रही है। और ये जो है मुरम सब्वे से वो कॉम्पैक्ट बराबर हुआ है कि नहीं, उसकी जाँच चल रही है। इसमें डेंसिटी टेस्ट किया जा रहा है, ये डेंसिटी टेस्ट करने का प्रोसेस है, इसमें वो कितना कॉम्पेक्शन करा या कम हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच चल रही है। इस एफिट खोद के इसमें सेल डाल के उसकी डेंसिटी निकाल जा रही है। इसमें जैसा इतना बड़ा कट किया जाता है, प्रॉपर डेंसिटी टेस्ट होती है सर, इसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नट कोड बनाया गया। एक सेकंड, एम गांधी जी आप अपने मोबाइल से स्क्रीन में कुछ कर रहे हैं, एम गांधी जी आप अपने मोबाइल से कुछ स्क्रीन में कर रहे हैं, वो आप मत करिए कृपया। आप लोग स्क्रीन के साथ, स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे कृपया आप लोग स्क्रीन के साथ बिल्कुल कोई छेड़खानी ना करें,
मोबाइल को टच ना करें क्योंकि वो उसमें हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना, वो जैसे दिख रहा है। तो जी धन्यवाद। हाँ अपन कुछ चर्चा कर रहे थे। जी हाँ बताइए जी सर। ये जो मुरम सब वैसे उसकी डेंसिटी निकाली जा रही है टेस्ट करके, इसको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। इसमें गड्ढा करके सैंड डाल के उसकी डेंसिटी निकालते हैं कि वो कॉम्पैक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कॉम्पैक्शन सही नहीं है तो फिर सड़क खराब होगी ऐसा। सर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया है प्रॉपर डेंसिटी टेस्ट के लिए, उस पे सारे हाँ उस कोड के मुताबिक ही टेस्ट करना पड़ता है। जो कोड बनाया है उस कोड के मुताबिक ही टेस्ट होता है जी। और इस मशीन में आप सर क्या कर रहे हैं, मशीन क्या है, इसमें क्या डामरीकरण में कितना डामर डाला गया है, कितना परसेंट डामर लगा डाला गया है वो निकाल रहे हैं। इसको डामर लेके उसको पेट उससे बेंजीन से घोल के उसको साफ करके निकाल रहे हैं कितना डामर है और कितना होना चाहिए था कितना डाला है, इससे निकल आता है। अगली कितना लगा चाहिए? बिटुमन एक्सट्रैक्टर मशीन बोलते हैं इसको। जी तो बिल्कुल जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस हुई थी और इस तरह से मेजरमेंट वगैरह यहाँ पे डेप्थ तक ये मेजरमेंट ले कर रहे हैं। जी जी और सर ये एक अनुमानित प्रोसीजर होती है कि भाई जो मटेरियल यूज किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है, एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको वेरीफाई नहीं करती कि ये सही है 100%। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसेसर ऑल इंडिया में यही प्रोसेस चलता है। सर लेकिन मैं सॉरी मैं माफी चाहूंगा लेकिन पीडब्ल्यूडी जो है वो पूरे गवर्नमेंट के अफसरों का सारे का वेरीफाई या तो चीफ जस्टिस का बंगला हो या कुछ भी हो सबका मेंटेनेंस वही करती है, इसलिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उनके प्रति ऐसा नहीं होता है ऐसा। मेरे पास 335 केस है केवल एक डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी के। हाँ। इसमें सबसे ज्यादा फेक जाति प्रमाण अपन 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 उन चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहले ये टेक्निकल चीजें अपन समझ लेंगे। ये जो गिट्टी और मुरम लगाया है इसको खोद के पूरा अलग अलग करके देखा गया है कि वो जिस साइज का चाहिए था जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने है कि नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग हो गया एक साथ सबको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके छान के निकाला हुआ है। जी यहाँ पर थोड़ा सा बताइए जैन साहब ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये आपका मेजरमेंट का क्या है जो आपने बीच यहाँ पे टाइप की जिसमें हाँ 50 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद के ये मेटल और मुरम निकाला गया है, इसको छान के ये पता लगाया गया है कि जितनी क्वांटिटी जिस साइज की चाहिए थी वो है कि नहीं है, इससे पता लग जाता है। जी जी तो मतलब ये गिट्टी छोटी बड़ी फिर बालू हाँ। फिर ये छान करके इस तरह से कि मतलब सबका माप फिक्स है उतनी साइज है कि नहीं इसमें वो निकला है। मैं इसमें एक चीज ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आप ये जो PMGSY सड़क थी उसकी जांच के लिए आप आए थे, ये जो दिल्ली में शिकायत की गई थी वहां से टीम गठित करके आपको स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पर आपको भेजा गया था। और ये जो सड़कों की जांच होती है ये NQM SQM इनका क्या रोल रहता है, जैसे मैंने मान लीजिए इसमें तो शिकायत की थी तो आप जांच करने के लिए आए थे आपने जांच की थी, लेकिन सुओ मोटो मतलब अपने आप का क्या रहता है PMGSY का कि आप लोग किस प्रकार से इसकी जांच करने के लिए आते हैं, क्या रहता है मतलब SQM NQM का क्या रोल रहता है, यदि हम शिकायत ना भी करें फिर भी रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कैसे गुणवत्ता मॉनिटरिंग इसकी आप लोग करते हैं? इसका जिस हर हर रोड जिस रोड पर गवर्नमेंट अथोराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर में स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगी और स्टेट गवर्नमेंट भेजती है और देखती है कि इसमें वास्तव में जो शिकायत है उसमें शिकायत की जाँच करके निकालना है कि जो पॉइंट है वो सही है कि गलत है, और उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को भी जाती है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है क्या? थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है। अच्छा बताए स्टेट को क्वालिटी को वो क्या बोलते कंसल्टेंसी नहीं है? नहीं नहीं कोई इम्प्लाई नहीं कोई कंसल्टेंसी नहीं, थर्ड पार्टी प्योरली इंडिविजुअल मॉनिटरिंग यूनिट है। नहीं नो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी है।
ये आप देख रहे हैं सीजीएम थे चीफ जनरल मैनेजर यूबी सिंह जी, शायद अभी भी रीवा में हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मॉनिटरी यूनिट होती है इनका बेसिकली काम को आता है क्वालिटी को चेक करना, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो फंड रिलीज करती है। अगर ये सर्टिफाई करेंगे तो ही फंड रिलीज होगा, अगर इन्हें सर्टिफाई नहीं किया काम में खराबी है तो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट रिलीज नहीं करती। नहीं तो अब हम चूंकि अनुभव रख चुके हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं सारी चीजें, आपको बताते हैं। इस तरह से जैन साहब ने बताया कि SQM और NQM का रोल होता है, बहुत सारे जैसे PMGSY के लोग जुड़े हुए हैं और इंजीनियर हैं आपके, AM है, GM है, सारे लोग, तो उनसे जानकारी हम लेते रहते हैं। तो इसमें SQM और NQM का रोल पूरे रोड के दौरान रहता है, वो स्वयं भी आते हैं, अपने आप आते हैं यदि हम शिकायत ना भी करें। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे ये समझिएगा सर, जैन साहब का तो बहुत अच्छा रोल था हमारे मामले में लेकर के, उनकी जाँच रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो SQM और NQM आते हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके रिजल्ट जांच करने के लिए आते हैं। सर ने जो जैन सर ने ये जांच की, इसके पहले ही जो NQM और SQM की जांच हुई थी वो उनका एक अपने आप आए थे, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड में रहने वाले हैं, हमारे गाँव की सड़क है, तो हमें लगा नहीं गड़बड़ तो है अब हम जो देख रहे हैं और ये सही जाँच नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो शिकायत की थी उस पर लकली आप बहुत ही कॉम्पिटेंट इंजीनियर हमारे बीच में आए और आपने इस बात की जांच की थी, और मैं वो आपकी जांच रिपोर्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा कि आपकी जांच रिपोर्ट क्या थी और फिर उसके बाद क्या कार्यवाही हुई। ये जांच रिपोर्ट थी जैन साहब की। वैसे हम जैन साहब थोड़ा सा चूक कर गए थे उस समय, जिस लोकेशन पे हम लोगों ने खुदवाया था वो ठेकेदार ने अपने हिसाब से खोद दिया था और वहाँ पर निश्चित तौर पर इनका अच्छा कंपोजिशन था ये आपका, ये सब जो आपने किया। लेकिन कुछ ऐसे लोकेशन थे जिसका अपन ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर पाए, यदि उस जगह पे अपन करते तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मिलता। तो ये आपकी जांच रिपोर्ट थी और आपकी जांच रिपोर्ट में सारी चीज़ें हैं, अगडाल लौरी गढ़ कैथा मार्ग जिसकी आपने इसमें रिपोर्ट आपने दी है, चैनेज 900 मीटर पर परीक्षण पिट लगाया गया जिसमें OGPC की मोटाई, बिटुमिन कंटेंट WMM की मोटाई एवं GSB की मोटाई DPR के प्रावधान अनुसार पाई गई, जहां पर हमने चेक किया था। लकली WMM एवं GSB मटेरियल की ग्रेडिंग भी मानक स्तर की पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा घटिया पुलों के निर्माण की शिकायत की गई थी जो कि वास्तव में ह्यूम पाइप पुलियाएं हैं। मार्ग पर कुल 19 पुलिया निर्मित है जिनमें से कुछ पुलियों का हथौड़े से परीक्षण किया गया जिसमें 4 पुलियों का पाइप के ऊपर की फेस वॉल कॉन्क्रीट मानक स्तर की नहीं पाई गई तथा उसमें क्रैक पाया गया। इन पुलियों की फेस वॉल को तोड़कर पुनः निर्माण करने के लिए निर्देश दिए गए। बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन दिया था। और फिर वो जब पुलिया टूटी है तो उसका भी हमारे पास फोटोज वीडियोज है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। चैनेज 1300 मीटर पर सुपर एलिवेशन का डामर ट्रैफिक से उखड़कर खराब हो गया है जिसे सुधारना है। सड़क किनारे स्थित छोटे तालाब में वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना जताई गई है जो कि सही प्रतीत होती है, अतः लगभग 30 मीटर की प्रोटेक्शन बाल बनाने की कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। छोटे तालाब के पास में ये बात जो आपने बताई थी बहुत सही है, लेकिन एक साइड में ही प्रोटेक्शन बाल बनी है, दूसरी साइड की प्रोटेक्शन बाल अभी भी नहीं बनी है, यद्यपि वो इशू रेज किया गया है। फिर एक भटवा से पनगड़ी मार्ग था उसकी भी आपने जांच की थी। इसमें फिर आपने सुझाव दिए थे कि वर्षा काल में जहां जहां पानी भरा होता है उसके निकासी है तो विस्तृत सर्वे करके 2-3 स्थानों पर पाइप डाले जाना चाहिए। शोल्डर कार्य शीघ्र कराया जाना चाहिए। बड़ोखर से करहिया मार्ग लंबाई 1200 मीटर के निर्माण के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नीति अनुसार प्रस्ताव, ये भी आपने एक दूरगामी आपने किया था। फिर बाद में पिछले 1-2 साल पहले ये सड़क बनी हम सबके प्रयास से और आपने भी इसका वो किया था। तो कुल मिलाकर के ये जो अपन अच्छा ये क्या आप पढ़ पाए क्या ये जो मैंने बोला? हेलो, वो आपने वाला पेज नहीं लाया था, इंक्वायरी वाला पेज आपने ओपन नहीं किया था। I got it. तो वही मुझे लगा कि कोई इसमें क्वेश्चन करेगा और मैं बाद में मैं वो पेज ला दूं क्योंकि वो प्रूफ के तौर पे दिखाना जरूरी, ये वाला पेज था जिसकी अपन बात कर रहे थे। ओके, ये वाला पेज था और जो ऑब्जर्वेशंस जैन साहब ने दिया था वो ये था। और जो पुल वाली अपन सेकंड पॉइंट पे आप देखिएगा, ये पुल वाली ये सेकंड पॉइंट है, ये पुल वाला जो मेन पॉइंट है इसको मेन ऑब्जर्वेशन है। और जैसा कि हमने कहा कि हमने थोड़ा सा चूक कर दी थी और रोड के खुदाई में, और ऑब्वियसली जहाँ पे खुदाई होगी वहीं का मटेरियल देखा जाएगा, तो जहाँ पे गड़बड़ था वहाँ पे अपन लोग बहुत अच्छे से उसको नहीं। हाँ, हमें हमारा थोड़ा सा ये लगता है कि नेटवर्क कहीं चला गया था, इसको हम वापस लाते हैं। अब हम उस बिंदु पे लाते हैं जब जैन साहब ने ये जाँच की थी और जाँच के बाद जो इसका रिजल्ट आया और उस वो प्रक्रिया हम आपको दिखाना चाहते थे यदि हम यहाँ पे दिखा पाए तो, वो जहाँ आपने कुल
कुछ हाँ आप स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं ना? ये पुलिया टूटी हुई है, पुलिया को तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, पुलिया को तोड़ा जा रहा है। हाँ तोड़ा जा रहा है पुलिया को, पुलिया बनी थी और ये तोड़ा जा रहा है। ये पुलिया आमूमन टूटती नहीं है लेकिन यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एन साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जांच रिपोर्ट जो दी थी उसके आधार पे फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशराइज करके ये पुलिया यहाँ पर तोड़वाई। ये पुलिया तोड़ी गई इसी तरह से, टोटल छह पुलिया यहाँ पे तोड़ी गई थी, पांच छह। जी पुलिया क्यों तोड़वा दी? पुलिया इसीलिए तोड़वा दी क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी कमजोर पुलिया आप देख सकते हैं कि जेसीबी ही इसको खोद करके तोड़ रही है। इसी से पता चल जाता है आपको कि क्या पुलिया की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जेसीबी का आगे का मुंह ही उसको इस तरह से तोड़ दे इतना आसानी से, और कैसे भर भरा करके उसका डस्ट और गिट्टी गिर रही है, जैसे लग रहा है कि कोई सीमेंट ही उसमें नहीं है। अब इसमें क्या यूज किया गया था ये तो पता नहीं, नहीं हम बहुत अच्छे से और वो पाइप पे लिखी रहती है, बिना उसके यूज ही नहीं हो सकती है। क्या चीज जैन साहब, जैन साहब इसमें प्रकाश डालेंगे सर। ये पाइप जो थी सर, ये पाइप कौन सी मतलब कैटेगरी की थी? एनपी टू थी, एनपी थ्री थी, एनपी फोर था, एनपी वन था? उसकी क्या लेंथ थी, क्या डाया था, क्या थिकनेस थी, हर चीज उसमें मेंशन होती होती, यहाँ तक कि उसकी कास्टिंग डेट, मतलब हर एक आदमी का जैसे नाम होता है, हर एक मटेरियल का पर्टिकुलर नाम होता है कंस्ट्रक्शन में। गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए बनाया है लेकिन वहां पे फॉलो नहीं करते अधिकारी गण के कारण होता है, प्लस जो कुछ जनप्रतिनिधि, मेन कारण यही होता है। नहीं सही बात है, वो तो कोई भी चीज गुणवत्ता की नहीं थी, और इसमें जो 1000 mm और 1200 mm की ये पाइपें होती हैं इस तरह से HPC, तो ये जो था अभी ये कौन सी गुणवत्ता की थी ये तो हमें नहीं पता है। उस समय हमने RTI लगा करके जानकारी नहीं निकाली थी, हम आपको बताना चाहेंगे। और ये बिल्कुल RTI के बेस पे ना ये जांच हुई थी और ना ही ये कार्यवाही हुई थी, ये हम लोगों के यहाँ पर अपने स्तर पे कार्यवाही, हमारी शिकायत के आधार पे कार्यवाही हुई थी और उसके आधार पर ये जांच हुई थी। तो जैन साहब इसमें और कुछ प्रकाश डालेंगे? सर आप ही ब्लॉग जाओगे। इसमें जो पुलियाएं बनाई गई थी वो उसमें उसके पुलियाओं की स्ट्रेंथ कम थी, सीमेंट बहुत कम थी, इसलिए वो उसमें कोई ताकत नहीं थी कॉन्क्रीट में। वो टेस्ट नहीं करा, हथौड़े से मालूम पड़ गया कि कमजोर है और इस कारण इसको फिर रिजेक्ट किया गया। सर क्या अगर अपन कोई M40 का मटेरियल बनाए और उसे कूलिंग ना करे तो क्या स्ट्रेंथ आ जाएगी? क्या क्या नहीं करें? अगर कोई M40 का स्ट्रेंथ की अपन कंक्रीट डिजाइन मिक्स बनाए और उसपे क्यूरिंग ना करे तो क्या स्ट्रेंथ नहीं आएगी? नहीं आएगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। नहीं आएगी तो सर उसमें अपन उसकी क्वालिटी क्या, सुपरविजन किसके को देंगे? नहीं नहीं तो क्वालिटी खराब हुई ना फाइनली, भाई क्यूरिंग उसका पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। अगर आपने क्यूरिंग नहीं करी इसका मतलब आपने खामी रखी, तो स्ट्रेंथ तो आएगी नहीं, तो कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है क्यूरिंग भी, उससे अलग थोड़ी कर सकते उसको। नहीं एक्चुअली सर क्या कई लोगों को ये रहती है कि भाई सीमेंट ज्यादा डाल दो तो काम अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। सीमेंट ज्यादा डालने से मतलब नहीं है, पूरा प्रोसेस सही होना चाहिए, क्यूरिंग भी होना चाहिए, कॉम्पैक्शन भी होना चाहिए, पूरा प्रोसेस सही होगा तभी सही काम होगा। जैसे एक सर बता रहे थे कि सीवर में जैसे उनका अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं 1:3 का रेशियो होता है सीवरेज में, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जाके जो कि अपने वेस्ट से जो केमिकल निकलते हैं उसका रिएक्शन हो ना हो पाए इससे, और उसमें कई चीजें रहती है। तो वो 1:3 का केवल वही मायने नहीं करता प्लास्टर, कई चीजें होता है। अगर आप ज्यादा हाई प्लास्टर डालेंगे तो क्रैक डेवलप करके पूरी बिल्डिंग को खराब कर देगा वो। हाँ तो वो जो स्पेसिफाइड है वही डालना पड़ेगा, जो स्पेसिफाइड करा हुआ है वही काम करना। तो ठीक है, इस तरह से पूरा मामला था और अपने प्रश्न आप लोग पूछ पाएंगे, लेकिन हमारे बीच में बीरेश बेलूर सर भी हैं, हम उनसे भी कुछ उनके अनुभव यहाँ पर लेंगे। और सर बताएं किस तरह से आप कर्नाटक में इन मुद्दों को लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं और आपका क्या व्यू है इन सब चीजों पर। स्वागत है आपका। सबका नमस्कार।